हम करते थे, फैक्ट्री में काम करते थे, तो क्या कीजिएगा, लड़का कैसे फंस गए हमको ये नहीं मालूम है, लेकिन प्यार मोहब्बत में कैसे फंस जाता है लोग, बुढ़िया भी फंसाती है हमको बेटा की। अच्छा, तो हम आप पांच बच्चा की माँ है, सबसे पहले तो शर्म आपको होना चाहिए। जब हम फैक्ट्री से निकलते तो हाथ पकड़ के हमको घिंच के ले जाते, हाथ पकड़ लेता है कोई, यहाँ पर जिस तरह से आप अभी प्रशासन को लेके पहुँच गयी है तो वहाँ पे प्रशासन नहीं है। हमारा बेटा गया था कमाने के लिए न। नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार और मैं अभी ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर लगभग हजारों लोगों की भीड़ जुटी हुई है। जरा आप लोग दिखाइए इधर कि कितनी बड़ी भीड़ जुटी हुई है और भीड़ किस वजह से जुटी हुई है, चलिए हम सीधा आप सभी को बताने का प्रयास करते हैं। आप सभी को सबसे पहले बता दें कि यहाँ पर सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लव अफेयर वाला मैटर होता है, आप लोगों ने लगातार सोशल मीडिया पर देखा होगा, कभी यूट्यूब के माध्यम से, कभी फेसबुक के माध्यम से, तो कभी आपने ये भी देखा होगा कि 15 साल का लड़का और 40 साल की लड़की से प्यार हो जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि 60 साल का बूढ़ा को 15 साल की लड़की से प्यार हो जाता है। ऐसे में ही एक मैटर है जो कि लुधियाना से बिहार को कनेक्ट करता है। चलिए हम सीधा यहाँ पर बात करते हैं। आपका क्या नाम है? गुड़िया देवी। गुड़िया देवी, आप पूरा डिटेल बताइए, आपके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, स्टार्टिंग से बताइए। यही बताएगी, यही बताएगी। आप रुकिए रुकिए, आप सही हैं, आइए आप आइए, आप ही बताइए। तो आप फिर पीछे से क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, वो बोलेगा। जब हम उनसे आपको बोल चुके हैं कि हम इनसे भी लेंगे, उनसे भी लेंगे, हम सीधा इनसे पहले जानेंगे, इनसे जानेंगे, या पहले आप बोल लीजिए, या पहले आप बोल लीजिए, या इनको बोलने दीजिए। शुरू से ये बताएगी, उसके बाद आप बताइएगा। बताइए। देखिए, हम गुड़िया देवी बोल रहे हैं, मेरा घर है दरभंगा जिला। इधर इधर कैमरा पे सामने लाइए। मेरा घर है दरभंगा जिला। इधर इधर सामने आप फेस करिए ना, आँख रोशनी बढ़ रहा है, रोशनी बढ़ रहा है, तो आपको दिखाने के लिए ही बढ़ा गया है रोशनी। तो मेरा घर है दरभंगा जिला और मैं घर पे रहती थी, तो मेरा घर वाला ना से बात था, पिता खाता था, मारपीट करता था, तो हम लोग को मतलब छुटा छुट्टी हो गया, हम लोग अलग रहने लगे, अलग रहने लगे। हम लुधियाना में काम करते थे, लुधियाना में हम 6-7 महीना हम काम किए बाल बच्चा के लेके। मेरे पास 5 बच्चा है, एगो उधर है, मेरे पास 4 बच्चा है, हम सबको ले के काम करते थे। हमारी 3 माँ बेटी हम काम करते थे, वहाँ डॉल्फिन में काम करते थे, नीतीश मंडल नाम का लड़का हमको कैसे फंसाया वो तो खुद जानता है, उसको बुलाइए तब पता चलेगा। देखिए, यहाँ पर ये जो बता रही हैं कि घर दरभंगा जिला है और इनके पति से इनका नहीं बनता था, इनके पति शराबी कह लीजिए या निकम्मा कह सकते हैं, वो थे जिस वजह से इनका उनसे क्या हो गया, छोड़ दिया, छुटा छुट्टी कहते हैं गाँव में, तो छुटा छुट्टी इनका हो जाता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, लुधियाना चले जाते हैं पति को छोड़कर। जी, हम लुधियाना गए, वहाँ 6-7 महीना काम किए, उसके बाद 6-7 महीना से आपको कहाँ पे मुलाकात? डॉल्फिन फैक्ट्री है ना। अच्छा। डॉल्फिन फैक्ट्री है, सब जानते हैं, वहाँ वो भी काम करते थे, हम भी काम करते थे, हम दोनों को एक दूसरे से। आपका एज कितना है? 30। 30 साल एज है जी। और आपका कितना लड़का है? 2 लड़का है, 2 लड़का है, 3 लड़की है। सबसे बड़ी लड़की का कितना उम्र होगा? 15 साल। 15 साल है, यानी आपकी शादी 15 साल के उम्र में हो गई थी? 16 साल की उम्र में। 16 साल के, तो उस हिसाब से 31 साल आपका हो रहा है जी। अब जो हुआ तो वही लगभग में है, यही कह रहे हैं। हाँ। तो फिर आपको उससे डॉल्फिन कंपनी में कनेक्शन हो गया जी। फिर उसके बाद आपका क्या हुआ, वहाँ पर कैसे कैसे फिर आगे होने लगा? उसके बाद हमसे फोन से बात उत करने लगे, हम बोले देखिए हम 5 बच्चा के माँ है, आप हमसे बात उत मत कीजिए। ये बोला कि कोई बात नहीं, बच्चा है तो क्या हुआ, तुम हमको अच्छी लगती हो, हम तुमसे बात करेंगे, हमसे मतलब बातचीत करते रह गया। उसके बाद हम लोग मिले, हम लोग 2-3 बार मिले, हम बोले उनको देखिए आप हमसे मिलते हैं, अगर आप 2 बार मिले जुले तो आपके कहने पे वो मिला कि आप उसके बुलाए थे मिलने के लिए। वो बुलाता था। तो आप क्यों जाती थी मिलने के लिए? पहले तो हम, आप 5 बच्चा की माँ है, सबसे पहले तो शर्म आपको होना चाहिए। जब हम फैक्ट्री से निकलते तो हाथ पकड़ के हमको घिंच के ले जाते, जबरदस्ती हाथ पकड़ लेता है कोई, उसको बुलाइए। तो यहाँ पर जिस तरह से आप अभी प्रशासन को लेके पहुँच गई हैं, तो वहाँ पे प्रशासन नहीं है? नहीं था प्रशासन, मतलब बात। सर इधर आइए, गार्ड साहब एक बार इधर आइए। प्रशासन क्या सिर्फ बिहार में है? नहीं, हर जगह है कि पूरे ऑल इंडिया में है, दुनिया में है? ये बोल रही है कि
नहीं नहीं आप बताइए, सही से बताइए, इन लोगों को झूठा साबित करने का कोशिश मत कीजिए। नहीं झूठा साबित, जो सही है वही बोलेंगे। सही ही बताना है, जो सही है वही बोलेंगे। आप यहाँ पे बोल रही हैं कि वो मेरा हाथ पकड़ के लेके चला गया, तो वहाँ पे आप कंप्लेन की थी पुलिस को? इसीलिए नहीं कंप्लेन करते थे कि हम दोनों बात करते थे। दोनों बात करते थे तो आपकी रजामंदी थी? जी रजामंदी थी, मेरा भी, हम भी उनके साथ रहते थे। आपकी पांच, आपके पांच बच्चे हैं, सबसे बड़ी 15 साल की लड़की है, उसके बाद फिर लड़की है, उसका भी 12-13 साल होगा, उसके बाद फिर लड़की है क्या? नहीं, तो लड़का है, लड़की दो लड़का है। तो इतना चीज होने के बाद भी आप किसी लड़का से कैसे पट गई? हम फैक्ट्री में काम करते थे, फैक्ट्री में काम करते थे तो क्या कीजिएगा, लड़का कैसे फंस गए हमको ही नहीं मालूम है, लेकिन प्यार मोहब्बत में कैसे फंस जाता है लोग, प्यार मोहब्बत में कैसे फंस जाता है? पांच बच्चे की माँ होते हुए आपको ऐसा लग रहा था कि हम अपना पति छोड़ के? ऐसा तो नहीं, सुनिए आप लोग हल्ला नहीं कीजिए, सुनिए ऐसा मत कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है? आप भी धैर्य रखिए, आप भी अगर गलत नहीं है तो आपको भी, और अगर आप लोग भी गलत नहीं है तो आपको भी सही रास्ते पे लाया जाएगा। ये बताइए कि आपको, आप वहाँ कंप्लेन नहीं किया, आपको भी उससे प्यार हो गया, तो आप दरभंगा से चल के लुधियाना इसलिए गई थी कि किसी लड़का को तलाशना है, अच्छा लड़का ढूंढना है, फिर कहीं एक पति बना लेना है? नहीं कभी नहीं सोचा। तो फिर उससे प्यार कैसे हो गया? तो जबरदस्ती प्यार होता है? नहीं वो तो हमको भी मालूम नहीं कैसे प्यार हो गया। बिहार में जो है ना ऐसा धर्म है, बिहार क्या ऑल इंडिया में ऐसा धर्म है, पति चाहे निकम्मा हो, बेवड़ा हो, कुछ भी हो, उसको छोड़ा नहीं जाता है, सबसे पहले उसको पूजने योग्य माना जाता है, उसको सुधारना आपके बस में था। महिला घर को उजाड़ सकती है और बिगाड़ सकती है, तो आपने तो बिगाड़ने का काम किया है यहाँ पर। हम लोग तो बहुत सुधार, मतलब नहीं मानता था उसको, हम बहुत समझाए। मान लेते हैं आप पति को छोड़ करके चली गई, उनको तलाक दी है? नहीं छुट्टा छुट्टी हुआ है, छुट्टा छुट्टी हुआ है, तो भारतीय कानून तो तलाक को मानेगा, फिर यहाँ इसको पति मानेगा जी। तो आप अभी क्या कहना चाहती हैं कि नीतीश कुमार आपके साथ क्या किया? वो हमारे साथ 3 साल से रह रहा है। 3 साल से आप दोनों रजामंदी से रह रहे हैं? हाँ, रजामंदी। आपके से बच्चों को मालूम है? सबको मालूम है, सबको मालूम है। उसके, तो उसके 3 साल भाई से नीतीश कहाँ पे रहता था आपके साथ? डॉल्फिन के पास सलमपुर है जी। आप अपने रूम में रखते थे कि वो आपको अपने रूम में रखता वो था? खुद रूम लेते थे, हम सब साथ रहते थे, फैमिली तक सारा बच्चा भी आपका साथ रहता था। मेरी बेटी लोग ड्यूटी काम करती है, हमारा 2 बेटा नीतीश और सूरज और हम, इतना आदमी रहते थे। तो इतना ही आदमी, और यहाँ तो आप 3 ही आदमी का नाम ले रहे हैं, आपका बच्चा, 2 बच्चा, 2 बच्चा, नीतीश आप, 4 आदमी, सूरज, उसका भाई भी, उसका भाई है नीतीश का भाई। अच्छा, है सूरज, तो 5 आदमी थे, बाकी आपकी और बच्चे कहाँ थे? काम पे जाते थे, तो रात में तो घर आते होंगे? नहीं, वो लोग दूसरा जगह रहते हैं। अच्छा, मतलब अलग, वहाँ पे आपने काम पे लगा दिया? हाँ, वहाँ पे मतलब कोई आंटी उंटी है, वहाँ खाना उना बनाती है। अच्छा, वही, यानी ये गरीबी के कारण किए जी, और लड़का भी इसीलिए आप व्यवस्था किए कि आपका जिंदगी कट सके? नहीं हम नहीं व्यवस्था। तो आप, आपको 5 बच्चा होते हुए आप 30-35 साल की होती हुई फिर किसी लड़का के चंगुल में कैसे फंस गई? आपको दिमाग नहीं दिया है भगवान? हम दिमाग दिया, लेकिन हम उतना दिमाग नहीं ना लड़ाए, हमको अपना अपन बताया। क्या लगता था कि अब मेरा पति ही हो गया? हाँ, मेरे मांग में सिंदूर भी डाला है, सिंदूर डाला, शादी किए थे? हाँ, इसका क्या प्रूफ है आपके पास? वो खुद प्रूफ है। क्या प्रूफ है? फोटो सब था, सब डिलीट कर फोटो रखे हैं, सब डिलीट कर दिया। कौन डिलीट कर? नीतीश किया है। कब किया था? मोबाइल जब उनके पास रहता था, वो खुद डिलीट किया है मोबाइल जब उसके। आप मतलब आप दोनों का एक ही मोबाइल था? उसी का मोबाइल मेरे पास है। तो वो फिर वहाँ से आपको छोड़ के कब? 3 साल नहीं छोड़ा और आज छोड़ दिया? 2 मार्च को आया है। 2 मार्च को आया, 3 साल से वो घर नहीं आया था? ओ, पूछिए इन लोग से कितना दिन बीच से में आपको कभी छोड़ के कहीं नहीं कभी गया नहीं था। तो 3 साल के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे उसका मन भर गया इसलिए छोड़ दिया आपको? सो तो आप वही जानेगा। तो आपको क्या वादा किया था? हमको बोला कि हम जाते हैं घर, चचेरी बहन का शादी है, 15 से 20 दिन में हम चलाएंगे। 15-20 दिन में जी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यहाँ आया है तो हमसे नहीं बात करता है, नहीं कुछ, यहाँ आने के बाद बोलता है हम तुमको चिन्हबे नहीं करते हैं। अच्छा, चिन्हबे नहीं करते हैं, तो यहाँ से आपका मैटर शुरू हो जाता है कि नीतीश कुमार अब जो है आपको चिन्हना बंद कर दिया है, पहचानना से इनकार कर रहा है, पहचानने से आपको इनकार कर दिया है। तो फिर आप यहाँ तक कैसे पहुँची हैं? हम यहाँ तक आए हैं उनके मेरे पास उनका आधार कार्ड है। अच्छा, जीरोक्स उसी से? हाँ। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि नीतीश कुमार आपको पहचानने से इनकार कर दिया तो यहाँ पहुँच के आप उसका क्या बिगाड़ लीजिएगा? तो समाज है ना,
समाज है वो आदमी समाज बुलाएंगे उनको, हमको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते समाज आप लोग है ना। आपके पास कुछ प्रूफ तो होगा ना? है वीडियो है तो थोड़ा। आप FIR भी किए हैं? हाँ FIR कहाँ पे किए हैं? महिला थाना दिए हैं, SP को दिए हैं। अच्छा, कट्टा में तो वो लोग क्या बोले हैं? सब बोले हैं पहले उनके घर पे जाइए। अच्छा घर पे जाइए जी। तो आप लोगों ने देखा कि क्या नाम बताए? गुड़िया देवी। गुड़िया देवी कहीं लुधियाना शहर में जाती है दरभंगा से चल के अपने पति को छोड़ के। जब काम करते थे मेरी बेटी का पैसा हम अपना पैसा सब देते थे तो घर भेजता था। अच्छा। बोलते थे किस्ती अभी नहीं भराया है तो किस्ती के लिए पैसा देती थी। आपको कमा के देती थी? आप भी कमाते थे? हम भी कमाते थे। पैसा उसके पास जमा सब पैसा मेरा मेरी बेटी लग का पैसा भी उसी के गोगल पे आता था। यहाँ पे आप पहुँचे हैं तो नीतीश आपको मिला? नहीं मिला। ये लोग कल शादी कर दी है उनका। किसका? नीतीश का शादी कर दी है मंदिर। हम दरवाजे पे पहुंचे हैं यहाँ कोई टेंट वेंट कुछ नहीं लगा। मंदिर से शादी किया है दूसरा जगह। क्या प्रूफ है कि दूसरा जगह शादी किया? पूछिए उन्हीं लोग से कहाँ है नीतीश, पूछिए। चलिए ठीक है, हम आगे भी आपको दिखाने का अभी प्रयास करते हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया पे आजकल ये एक अजीब सा प्यार वाला जो है ना रिश्ता शुरू हो गया है। किसी को 60 साल में प्यार हो जाता है, किसी को 15 साल में प्यार हो जाता है। 15 साल वाला प्यार तो जायज होता है लेकिन दोनों का एज अगर सिमिलर हो, मिलता जुलता हो तभी माना जाता है। लेकिन अगर एज मिलता जुलता ना हो तो इस प्यार को आप क्या नाम देते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी यहाँ पर एक मेला सा लग गया है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर किसी सर्कस मदारी का खेल चल रहा है। यहाँ पर गार्ड साहब भी आए हुए हैं, पुलिस प्रशासन को भी खबर दे दिया गया है। चलिए हम यहाँ पर इनकी जानकारी के बाद आपको द्वितीय पक्ष की जानकारी पार्ट टू में देने जा रहे हैं। वीडियो में बने रहिए आप लोग। और आपको कुछ बोलना है? यही बोलना है कि वो हमारे साथ ऐसा किए हैं, हम उन्हीं के साथ रहेंगे। तो उन्हीं के साथ रहेंगे आप, आपको लगता है कि आपके बाल बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? वो हमने आपके बाल बच्चे भी इस वीडियो को देखेंगे या यहाँ कहीं मौजूद होंगे? हमारे बाल बच्चा सब जानते हैं होंगे कि हमारी माँ किस तरह की बिनौना काम की है। हमारे सब बाल बच्चा जानते हैं ना, बाप का दर्जा दिया है ना। आप सारा बाल बच्चा आपका जान रहा है कि आप सब जानता है? हाँ सब जानता है कि नीतीश कैसे हम लोग को रखता था। उसको ये भी पता है ना कि पहले वाले पति को आप छोड़ के आए हैं, दूसरा पति आपको मिल गया, तो ये तो आपके बाल बच्चे पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। आपके बाल बच्चे भी आपके तरह ही हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा जिंदगी नहीं होता, ऐसा है। नहीं होगा। माँ बाप को देख के ही ना बच्चे का मतलब मेंटलिटी बनता है। आगे आप क्या कहिएगा ये बताइए? आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे। नीतीश के साथ रहना है? हाँ। तो नीतीश तो है आप नहीं। लोग निर्णय निकालिए, पूछिए। ये लोग बोलते हैं नहीं है, पूछिए कहाँ गया नहीं गया। समाज से पूछिए कि बोलते हैं यहाँ हैबे नहीं, हमको बोलते हैं गायब करा दी, हम कहाँ गायब करा दे, ये बात सभी उनसे पूछिए। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ किस तरह से भीड़ जुटी हुई है। चलिए दूसरी बार आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। यहाँ हम द्वितीय पक्ष की बात रखने के लिए जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? रतन कुमार मंडल। यहाँ पे भीड़ किस लिए जुटा हुआ है? हमको पता नहीं है। पता नहीं लेकिन है। ये आके अभी अचानक आई है और बोल रही है कि हम नीतीश से शादी किए हैं। नीतीश का आप कौन है? बड़े भाई हैं, मतलब चचेरा भाई। चचेरा भाई हैं आपकी? अभी माँ और बहन शायद थी जी। तो वो लोग कहाँ गई? उन लोग को बुलाइए। वो लोग भी है, बुला लीजिए ना। बुला लेंगे। तो नीतीश आपका भाई है जी। वो अभी घर पे नहीं है, नहीं है। कहाँ है? पता नहीं। ऐसा कुछ आपको पता चला था पहले? नहीं। तो ये आई है, इसको तो घर में रखिएगा ना। अब हम नहीं रखेंगे। नीतीश उसके साथ गलत किया है, उससे फोन तो गलत किया था या कुछ किया था तो इसको तो कम से कम पहले बोलना चाहिए ना कि हमसे शादी किया या कोई बात। हम लोग तो अभी बोल रही है, अभी बोल रही है। हम लोग को तो पहले से पता नहीं ना। नीतीश गया कहाँ? नीतीश गया कहाँ? आप कौन है? इधर आइए, आगे आइए। हम उसका बहन है। बहन है? इधर कैमरा थोड़ा नजदीक लाइएगा। नीतीश का अपनी बहन है? आपकी शादी हो गई है? शादी हो गई। तो नीतीश जो है कितना दिन के बाद बाहर से आया? कितना दिन के बाद? करीब कितना दिन? मिनट सर, ये जो बोल नहीं नहीं इनको बोलने दीजिए ना, इनका भाई है। आपसे भी बात कर रहे हैं? दो साल से मेरा भाई बाहर है। दो साल से? हाँ, दो साल के बाद। हाँ, दो साल के बाद। इससे तीन साल से रिलेशनशिप में था, ये पता है? नहीं पता था। तो दो साल के बाद आया, दो साल वहाँ पर क्या कर रहा था ये पता है? नहीं। आपको पता है? नहीं है। नहीं है पता नहीं। तो दो साल से एक बार भी घर नहीं आया, होली दिवाली दशहरा कभी? आया था घर। आया था बीच में? हाँ, घर आया। तो बोल रहे हैं कि दो साल से नहीं आया। आया था घर। तो अभी आप दोनों बात क्यों कह रहे हैं? हम बोल रहे हैं, एक बार बोल रहे हैं कि दो साल पे आया, एक बार बोल रहे हैं कि बीच में आया था। आया था बीच में। कब आया था? होली पे आया था। होली पे? होली तो हाल फिलहाल में, पिछला होली में आया था। तो उससे पहले दो साल पे आया था होली में?
और फिर एक साल के बाद फिर अब आया, यानी तीन साल, तीन साल में बीच में एक बार आया था, नहीं तो चार पांच बार आया था, चार पांच बार आया। ये तो बोल रही है कि तीन साल में अगला होली में मेरे पास था, अगला होली में मेरे पास था, यहाँ पे था। तो इस होली में कहाँ पर था? यहाँ था, यहाँ था। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि घर आया ही नहीं, अभी तो बोल रहा है, अभी आप लोग देख रहे हैं कि बोल रहा है कि घर आया ही नहीं, ये बोल रही है कि अभी यहीं पे, ये होली में यहाँ नहीं था। झूठ मत बोलिए, कैमरा में सारा चीज रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं नहीं, ये अभी बोली नहीं, नहीं नहीं, सुनिए, देखिए देखिए, एक मिनट, वो बोल रही है अगला होली में मेरे पास था, इस होली में, इस होली में बोल रही है। आप बात से नहीं पलट सकते हैं। नहीं नहीं, अच्छा इधर आइए, आप आइए आगे, आप आइए, आप आइए ना आगे, आइए ना, अरे भीड़, आप लोग हल्ला मत कीजिए भैया, आप लोग से रिक्वेस्ट है, हल्ला मत कीजिए, आप लोग हल्ला मत कीजिए। देखिए उधर अजीब अजीब कमेंट कर रहा है। आप माँ है नीतीश की? हाँ। तो नीतीश कहाँ है? ना हमको नहीं पता है। होली में तो घर पे था? नहीं, वो धपचप में बोल दिया उसको। हाँ, धपचप में बोल दिया। अगला बार होली में आप भी कुछ धपचप में बोल दीजिएगा। धपचप में नहीं बोलेंगे। देखिए आपका सारा चीज रिकॉर्ड हो रहा है। अगर ये झूठा साबित हुआ तो फिर आप लोगों पे प्रशासन बहुत ही बड़ी कड़ी कार्रवाई करेगी। धपचप में निकल गया बच्चा को। अच्छा। बच्चा को धपचप में निकल गया। तो आप सोच समझ के आई हैं? हाँ, हाँ, मतलब पूरा माइंड को क्लियर करके आई हैं, हमको क्या क्या बोलना है तो क्या क्या बोलना है। अच्छा, बोलिए आप क्या क्या बोलना है, आप खुद बोलते हैं। हमारे बेटा नहीं आया है घर। नहीं आया? नहीं। कितना दिन से नहीं आया? कितना दिन से नहीं आया? करीब एक साल हुआ था आने के लिए। अच्छा, एक पिछले होली में था? हाँ, पिछले होली। पिछले होली में कितने दिन पर आया था? कितने दिन पर? करीब पाँच छः महीने से। नहीं नहीं, आप लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं। कोई बोल रहा है दो साल से, कोई बोल रहा है तीन साल से, कोई बोल रहा है कि इस होली में यही था, मेरे पास था उस होली में भी। इस होली में कहाँ था? 2 मार्च को ट्रेन पकड़ा। देखिए देखिए, इधर आइए, इधर आइए, आप चचेरे भाई हैं, आप समझदार हैं, है ना, आप एक समझदारी का काम कर रहे हैं। ये सभी लोग भगचका सकते हैं। ये बोले क्या? ये भी भगचकाने के लिए मेंटलिटी क्लियर करके आई जो बोली अभी कि 2 मार्च को आया। देखिए सुनिए, नहीं यहाँ बात ये सुनिए कि आप जो है जो सच्चाई है उस चीज को बता दीजिए, उसी में भलाई है। नहीं तो आप यहाँ कुछ कहिएगा, पुलिस आपको कुछ और टॉर्चर करेगी, हर जगह बात चेंज होगा, गलत आप लोग साबित हो जाइएगा, फिर इसको बहुत ही आसान हो जाएगा रास्ता, समझ गए ना? ये जो बोली ना, तो हम ये चाहते हैं कि दोनों का निष्कर्ष निकले, उसके बाद कौन गलत है कौन सही है कानून उसको सजा देगा। अगर ये सही है तो इसको कहाँ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए वो कानून के हाथ में है, हम भी तो किसी को सजा नहीं दे सकते हैं। आप सच्चाई बताइए, ये जो बोली है कि अभी की 2 मार्च को आया है चचेरी बहन के शादी में, जी यहाँ पे कोई चचेरी बहन के शादी नहीं हुई है, बल्कि चचेरा भाई का शादी हुआ। नहीं, चचेरा भाई बोल रही है नीतीश का शादी हुआ, आप कैसे कह सकती हैं? वो मंदिर में शादी किया है हमको। अच्छा। मतलब किसी किसी से बात हुआ है तो बोला है कि लड़का मंदिर में आज शादी, चुपचाप बाइक पे बैठ के गया है और शादी मंदिर में किया है। गया कहाँ? नीतीश आसमान खा गया कि धरती निकल गई? इधर आइए, इधर आइए चाची, इधर आइए ना। ये जो बोली है चचेरे भाई के शादी बहन के शादी में आया है, जो कि यहाँ की चचेरे बहन का शादी हो ही नहीं रहा है, बल्कि चचेरा भाई का शादी। आपकी माँ? नहीं, वो छोड़िए ना, चचेरा भाई की शादी। आपकी माँ है वो? जी, हम लोग को पलगला रही है। रंडी बेसिया कहने का हक उसको कौन दिया ये बताइए? क्योंकि वैसा काम कर रही है। वैसा काम कैसे कर रही है? हम लोग को पलगला रही है। सुनिए सुनिए, आप जान रहे हैं कि नीतीश इसके साथ कुछ नहीं किया है, यही ना कहना चाह रहे हैं? नीतीश घर पे भी नहीं है जी, तो आपको तो पता नहीं है कि नीतीश क्या किया है, कहाँ गुल खिलाया नहीं खिलाया, ये तो आपको पता नहीं है? नहीं नहीं ना है पता। अगर अगर पता अगर वो देखिए आप बाहर में था, आप ये जान रहे हैं, बात बिल्कुल सही है, कमाने के लिए जाता है, कमाने के लिए था, नीतीश यहाँ भी नहीं आया है, आप ऐसा बोल रहे हैं तो ये तो शादी में चचेरा बहन जो बोल रही, चचेरा बहन की शादी नहीं था। अभी आप लोग हम ही को पागल कर दीजिए, कोई बोल रहा है 2 साल पे आया, कोई बोल रहा है 3 साल पे, कोई बोल रहा है इसी होली में था, शादी बात चले गया है, अब कहाँ गया ये चीज पता नहीं। वो
बोला हम ये चीज आप बात बदल रहे हैं। यहाँ पर स्पष्ट आप कैमरा पे देख सकते हैं किस तरह से बात बदल रहे हैं। आप पे हम भरोसा किए कि आप सच्चाई बताइएगा, आप युवा हैं, सच्चाई बताइएगा। बोले मेहमानी मतलब नहीं, नहीं, आप ये नहीं बताए, ये नहीं बताए। आप अभी आप झूठ बोल रहे हैं, बोल रहे हैं ना, आप ये बात नहीं बोले, नहीं बोले। अभी आप लोग सुने थे ना, ये बात नहीं बोले हैं, ये बात नहीं, आप ये बात नहीं बोले हैं। क्या बोले? आप बोले कि पिछले होली पे आया था, ये हम बोले पिछले होली हम बोले हैं। अभी सब यही बताया, सब बताया कि था, और फिर आप बोल रहे हैं कि नहीं था। नहीं, सच्चाई बताइए आप। ठीक है, ठीक है, भाई की शादी, चचेरा भाई की शादी में आया था। अब कहाँ है? अब बोले तो अभी मतलब अब कहाँ है? नहीं सुनिए, सुनिए, इधर आइए। नहीं नहीं इधर दरवाजे से हमको नहीं जाना है, दरवाजे से ना आप इनको निकाल पाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सच्चाई है वही सच्चाई है। ये जो भाई है इधर देखिए, देखिए, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। नीतीश का बीवी हो तुम? तुम नीतीश का बीवी हो तुम? चाची सुनिए, चाची सुनिए, 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 चाची खिलाने के लिए आई है, गुल खिलाने के लिए। चाची नीतीश से आप फोन करके पूछिए, सबूत मांग रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं, मांग रहे हैं। उसको भी अभी हम उसको भी चाची उसको भी लपेटेंगे ना, उसको भी हम लपेटेंगे। आप इधर आइए ना, लड़की के शादी किए, आप इधर आइए ना, उसको भी हम लपेटेंगे ना। अभी आप लोग देखिए, आप लोग नहीं, आप लोग गलत कर रहे हैं। आप सही सही, आप सही सही बताइए, नहीं आप सही सही आप लोग बताइएगा, तभी ना हम उससे कुछ पूछेंगे। आप लोग एक बार ये बोल रहे हैं, एक बार वो बोल रहे हैं, हम किस पे भरोसा करें बताइए? तो हम उससे पूछेंगे पहले, आप लोग सही जानकारी दीजिए। ना बोली जब शादी किया हमरे पुतोहू लगेगी, तब सासू जी के बोलना ना चाहिए जो निशेष हमसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, हमरे बेटा गया कमाने लिए। चाची ऐसा भी हो सकता है कि आपका बेटा वहाँ पर इसके साथ गलत संबंध रखा होगा। गलत नहीं, देखिए माँ का दिल माँ जैसा होता है, चाहे उसका बेटा कितना भी बड़ा क्रिमिनल बन जाए, माँ कभी नहीं कहेगी कि मेरा बेटा क्रिमिनल है। देखिए चाची, ये बुढ़िया भी फंसाती है हमको बेटा की। अच्छा, हमारा बेटा गया था कमाने के लिए ना, तो हो सकता है ना चाची कि इसके साथ गलत संबंध बना लिया होगा। गलत संबंध? आप माँ है, आप बेटा को नहीं, आप बेटा को बहुत करीब से समझते हैं, आप उसको नहीं बोल सकते हैं गलत, हम जानते हैं। दो साल हमको बेटा हुआ था, दो साल में कम से कम 6 बार आया है, गया है। कब ले गया था? पता कब ले गया था, पूछिए उससे। आप बोल रहे हैं यहाँ से ले गया था? मेरा भैया का मोबाइल भी छीन लिया, कहता कि मोबाइल नहीं देंगे तो तुम्हारा छोटा भाई को मरवा देंगे पैसा के चक्कर में। आप लोग खुद फंस रहे हैं अपने जाल में, क्योंकि आप अभी बोले कि इसको चिन्हते ही नहीं है, अब कह रहे हैं कि ये मेरा भाई का मोबाइल छीन लिया, ये कैसे पता चला? उसको उससे पूछिए ना, उस आप बोले हम उससे पूछेंगे। आप लोग देख सकते हैं, नहीं मोबाइल तुवाइल हमको हमारा बेटा का नहीं लिया है, नहीं हमारा बेटा। तो सब लोग सब रंग का बोलिएगा तो आप ही लोग फंसिएगा, आप ही लोग फंसने का काम कर रहे हैं। हम क्या बोलें बताइए? आप लोग एक बात कोई नहीं बोल रहे हैं, सब रंग का बोल रहे हैं। हमको आप लोग कहिएगा बाद में कि यू आकर के गड़बड़ कर दिया, बताइए एक बात बोलिएगा सभी, तभी ना आप ही लोग का सब। यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं कि किस तरह का भीड़, इधर इधर दिखाइए, इधर आप लोग को पता है, नीतीश को पहचानते हैं, पहचानते हैं नीतीश को? मुझे तो पता नहीं, मैं ये गांव का है नहीं ना। आप इस गांव के हैं? तो मेरा गांव का है तो हम लोग पहचानते हैं। आप लोग में से कोई है इस गांव का? नहीं है। आपका क्या नाम है? आप हैं इसी गांव के? नहीं है। छोटका आप चिंते हैं? हम चिंते हैं। रहता था? नहीं नहीं, इससे बड़ा है, सो रहता था। इसको कैसे पहचानते हैं? फोटो में हमको दिखाता था, आशिक नाम है इसका। कहाँ देखा था? फोटो में दिखाया, आशिक इसका नाम है, पूछिए। नहीं दिखाया फोटो। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है अजब प्रेम की गजब कहानी वाली बात हो गई है। लड़का का एज आपसे कम था? हाँ 29 साल है, 28-29, यानी 2-3 साल का डिफरेंस है। तो 22 साल का है, आधार कार्ड है आपके पास तो होगा? हाँ। अगर आप झूठी साबित होइएगा तो फिर आप पे भी कार्रवाई हो जाएगा। बात नहीं, उसमें देखिए मोबाइल में
ठीक है, हम आपसे अभी आधार कार्ड लेंगे और हम दिखाने का भी प्रयास करेंगे। तो यहाँ आप लोग स्पष्ट देख रहे हैं कि अजब प्रेम की जो गजब कहानी है ना, वह सुलझने का नाम नहीं ले रही है और उलझते जा रही है। कभी ये कुछ बोल रही हैं तो कभी वो कुछ बोल रही हैं। किस बात पर यकीन किया जाए ये कहा नहीं जा सकता है। हालांकि अभी यहाँ पर प्रशासन की टीम आने वाली है, प्रशासन ही इस चीज़ का न्याय दिलाएगी और वही इस चीज़ को, सच्चाई को सामने लाने का प्रयास करेगी। बाकी यहाँ पर बहुत शोरगुल हो रहा है, हम आप लोगों को आगे भी वीडियो दिखाने का प्रयास करेंगे। बाकी अभी यहाँ पर कुछ भी सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। जिनसे भी जो पूछा जा रहा है वो कोई बोल रहे हैं कि हम इस गांव का नहीं हैं, तो कोई बोल रहे हैं कि हम तो यहाँ पर मेहमानी आए हुए हैं। सच्चाई क्या है ये आगे आप लोगों को पता चलेगा। जब तक कि प्रशासन खुद इसमें लिप्त नहीं हो जाती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तब तक आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं कमेंट में राय विचार जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, देखते रहिए संस्कृति बिहार।